हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रीमियर सेंशन। आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में अपने टेक्स्ट में या फिर ग्राफिक्स को जब एनिमेट करते हैं तो उसमें मोशन ब्लर कैसे ऐड कर सकते हैं। लाइक दिस, आपने कई सारी जगहों पे देखा होगा क्या आपने जो एनिमेशन की है उसमें आपका मोशन ब्लर नहीं आ रहा है, लाइक जब आप प्रीमियर प्रो में करते हैं तो उसे भी हम मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स में आपको एक डिफॉल्ट ऑप्शन मिल जाता है जिसका यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट में या फिर ग्राफिक्स में अगर उसको एनिमेट करते हैं, किसी भी चीज़ को एनिमेट करते हैं, तो आप उसमें मोशन ब्लर इजीली ऐड कर पाते हैं। सो आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ, एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि आप कैसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर कार्ड्स में आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉम्पोजिशन में एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस पर की फ्रेम भी क्रिएट कर लूँगा, लाइक की फ्रेम एनिमेट कर लूँगा। लाइक मैं पोजीशन चेंज कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट की, लाइक मैंने स्टेप से की फ्रेम क्रिएट कर ली। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है, लाइक उसकी पोजीशन चेंज हो रही है की फ्रेम पे, लेकिन उसमें मोशन ब्लर नहीं आ रहा है। तो मोशन ब्लर ऐड करने के लिए सिंपली एक मेथड है, आपको यहाँ पे सिंपली मोशन ब्लर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ इनेबल मोशन ब्लर फॉर ऑल लेयर्स विद मोशन ब्लर स्विच सेट, तो हमें ऐसे ऑन करना है इस ऑप्शन को। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप अपनी लेयर को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस लेयर पे मोशन ब्लर ऐड करना है और किस लेयर पे नहीं करना। लाइक मैंने यहाँ पे कई सारी मल्टीपल लेयर अगर बनाई होती तो मैं उनमें से डिसाइड कर पाता हूँ, उनमें से चूज कर पाता कि मुझे मोशन ब्लर किस चीज़ में ऐड करना है, किस चीज़ में नहीं करना। तो सिंपली मैं भी यहाँ पे इनेबल कर लूँगा। जैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो हमारे टेक्स्ट में मोशन ब्लर ऐड हो चुका है ईजी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं कि आपको हल्का सा मोशन ब्लर मिल जाता है जो कि आफ्टर इफेक्ट्स आपको इजीली अपने आप से लगा के देता है। लाइक डिफॉल्ट आपको ऑप्शन देता है कि आप मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसे डिसेबल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं आप मेरे टेक्स्ट में कोई भी मोशन ब्लर नहीं है, ये इजीली शो हो रहा है। अगर मैं इसे इनेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं मोशन ब्लर आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा। सो इस मेथड का यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को अगर एनिमेट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, या फिर ग्राफिक्स हो या फिर टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो या फिर कोई भी चीज़ हो जिसे आप एनिमेट करते हैं, उस पर की फ्रेम क्रिएट करते हैं एंड उसमें आपको मोशन ब्लर चाहिए, तो सिंपली आपको दो ऑप्शन यूज़ करने हैं। लाइक आपको स्विच ऑन करना है अपनी लेयर का कि आपको कौन सी लेयर पर चाहिए मोशन ब्लर, एंड देन आपको ग्लोबली आपको ऑन करना होगा वो ऑप्शन कि जितनी भी आपकी लेयर हैं वो मोशन ब्लर में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो डेट्स फॉर इट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो गुड बाय फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, पीस।